नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज सुबह में सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर एक रेलवे स्टेशन के करीब हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। ये ट्रेन हादसा हुआ है दरभंगा के रामभद्रपुर स्टेशन के करीब। ये महिलाएं छठ पूजा के दौरान अर्घ्य देकर वापस लौट रही थी, जिस दौरान ट्रेन से टक्कर हुई। मरने वालों में 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। इसके बाद जो लोग वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय लोग बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए शव के साथ प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से रेल यातायात भी यहां पर प्रभावित हुआ है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। रोहित, अभी वहां पर क्या स्थिति है? ये देखिए, यहाँ तक स्थिति की बात है कि जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पर अभी रामभद्रपुर स्टेशन है और लोग जो है शव के साथ अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रैक पर बैठ गए हैं। और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो ट्रेनें हैं जो रूट पर चलती हैं समस्तीपुर दरभंगा रूट पर, वो बाधित हो गई हैं। जगह जगह पर वो ट्रेनों को रुक गई हैं और लोगों की मांग है कि वो चाह रहे हैं कि प्रशासन आना चाहिए और उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। नाराजगी इस बात की है कि वहाँ पे कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी, क्योंकि सुबह का वक्त था जब तमाम महिलाएं जो है अर्घ्य देकर वापस अपने घर लौट रही थी। और जो ये ट्रेन, आपको स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन है जो दिल्ली से जयनगर जाती है, उसकी चपेट में आने से इनकी कट के इनकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी शिकायत यह है कि प्रशासन के लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं और इसी को लेकर उन्होंने वहां पे एक तरीके से कहे तो ट्रैक को जाम कर दिया है, सड़क ट्रैक पर शव को लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बेहद दर्दनाक खबर यहाँ से। छठ पूजा का आज आखिरी दिन, समापन की पूजा यानी अर्घ्य देकर ये महिलाएं वापस लौट रही थी, बच्चे उनके साथ थे, जिस दौरान हादसा हुआ। 5 लोगों की जान चली गई, 3 महिलाएं 2 बच्चे। अब नाराज लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए। रोहित, शुक्रिया आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। और अब बात राजधानी दिल्ली की, जो धुएं में जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है, स्मॉग की हम बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन हालात को इमरजेंसी जैसा माना है, जिसे देखते हुए 3 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को बुलाया गया है, आपात बैठक होगी। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने स्कूलों की छुट्टी की, एहतियातन कदम उठाए, लेकिन राहत यहां भी मिलने वाले नहीं, क्योंकि 3 और दिन स्मॉग का ये माहौल बने रहने के आसार हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देर रात सिंघू बॉर्डर पहुंचे और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर रोक लगवाई। मैं चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए ताकि काम यहां स्पीड से हो सके। यहां से ट्रक जो निकलेगा उसके तुरंत पॉल्यूशन भी चेक कर, जितनी देर में उसकी पर्ची कटती है उतनी ही देर में उसका पॉल्यूशन चेक किया जा सकता है। अगर पॉल्यूशन वाला ट्रक है तो हमारी ये टीम उसको या तो कंपाउंड करेगी या वापस भेजेगी यहाँ से। लेकिन 127 बॉर्डर्स हैं पूरे, जहाँ से एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर सब पे ये चेकिंग चलती है और अलग अलग स्तर पर चलती है। जहाँ बहुत कम यूज होता है, कोई ज्यादा यूज होता है, ये तो सबसे मेन बॉर्डर है। दिल्ली में रविवार शाम आरकेपुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में 436, पंजाबी बाग में 999 और शांति पथ में 662 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद खतरनाक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन फंसा हुआ है, एयर पॉल्यूशन काफी बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ है। तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां पर एकदम PM 2.5, PM 10 दोनों ही भारी मात्रा में बढ़े हुए हैं और इसकी वजह से ओजोन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और यहां पर अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहे थे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दिखा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप देखते हैं तो कई जगहों पर पुअर और मॉडरेट लेवल है, चाहे वो पूसा हो, आया नगर हो, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी दिल्ली की है वहां पर इस तरीके की स्थिति, और कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में भी गंभीर है। दिल्ली गैस की एक ऐसी बंद बोतल में तब्दील हो गई है जिसके भीतर लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की कयास है कि आने वाले 3 दिनों तक इस धुंध से दिल्ली NCR की जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में स्मॉग कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तमाम इलाकों में पॉल्यूटेंट्स काफी ज्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के एयर पॉल्यूशन डिवीजन के डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, अगर हम इस समय की बात करें तो किस तरीके के आंकड़े आपको मिल रहे हैं अपने सिस्टम में?
देखिए अभी जो पार्टिकुलेट मैटर की स्थिति है, चाहे वो पीएम 10 है या पीएम 2.5 है, वो अभी भी काफी पुअर कंडीशंस में है, मतलब उनके लेवल काफी ज्यादा बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं फोग है और विंड स्पीड काफी कम है, तो उनके लेवल हमारे सीवियर कैटेगरी में दिखा रहा है हमारा सिस्टम, तो ये अभी थोड़ी हानिकारक स्थिति बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली में तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली के स्कूल अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। 10 दिनों के लिए बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं सोमवार से सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद कक्षा 2 तक के बच्चों के स्कूल भी सोमवार को बंद रहेंगे। दिल्ली में धुंध खत्म करने के लिए कृत्रिम बारिश पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटरों पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने इसे इमरजेंसी करार दिया है। सोमवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग भी बुलाई गई है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुक रहे हैं दिल्ली में फैले प्रदूषण पर। दिल्ली सरकार की नींद भी आखिरकार टूट गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन बीती रात 2 अलग अलग बॉर्डर एरियाज में पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने सिंघू बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से आने वाले भारी वाहनों की चेकिंग कराई। यहां उन ट्रकों को लौटा दिया गया जिनमें दिल्ली का सामान नहीं लदा था। वहीं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन देर रात अचानक गाजीपुर चेकनाके पर पहुंचे और दिल्ली में आने वाले ट्रकों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने कई ओवरलोडेड ट्रकों को रोका और उनका चालान भी कटवाया। दिल्ली में होने वाले प्रदूषण की बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में किसानों का पराली जलाना भी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं, इस पर मनाही है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी बदस्तूर जारी है। हरियाणा की तस्वीरें देख लीजिए जहां पर किसान खेतों में धान के जो अवशेष बचे हैं उन्हें अभी भी जला रहे हैं, जिसका असर दिल्ली NCR पर पड़ता है। दिल्ली से थोड़ी दूर हरियाणा में आसमान साफ है, दूर तक साफ नजर भी आ रहा है, लेकिन हरियाणा और पंजाब के खेतों से उठता ये धुआं दिल्ली के लिए आफत बना हुआ है। आज तक की टीम हरियाणा के अंबाला में पहुंची तो ये नजर आया। इस वक्त हम हरियाणा के एक धान के खेत में हैं। खेत से आप अच्छी तरह देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है और यही धुएं का गुब्बार आसमान में पहुंच रहा है। आसमान में पहुंचकर यही धुआं दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन बैठा है और दिल्ली वालों की नाक में दम किए हुए हैं। अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की सरकारों की, वो लाख दावे करती हैं, आए दिन अखबारों में विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं कि वो किसानों को जागरूक बना रही है कि वो धान के खेतों को आग ना लगाए। बावजूद इसके भरी दोपहर में हम देख सकते हैं किस तरह से खेतों को आग लगाई जा रही है। हालांकि हरियाणा और पंजाब सरकार दावे कर रही है कि राज्य में धान के बचे अवशेष जलाने पर पाबंदी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दिल्ली में बैठकर पंजाब हरियाणा पर आरोप मढ़ने वाले केजरीवाल हों या फिर पंजाब के CM बादल, चुनावी मौसम में कोई सख्ती बरतना नहीं चाहता। यही हाल हरियाणा सरकार का भी है। तो दिल्ली के कारण कुछ हो रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कभी भी अपने अंदर कारण नहीं ढूंढते हैं, हमेशा वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं और अपना बचने की कोशिश करते हैं कि ये तो पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है इस कारण से। और पराली का अब तो बहुत पुराना, बल्कि महीना डेढ़ महीना हो गया जब ये प्रॉब्लम थी, अब तो ऐसा नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर किसान क्यों पराली जला रहे हैं। धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेष किसी काम नहीं आते। बायोमास प्लांट ना होने के चलते किसानों को इन्हें जलाना ही पड़ता है। धान की कटाई हाथ से होने पर अवशेष नहीं बचता, लेकिन मजदूरी के मुकाबले मशीन से कटाई प्रति 3,000 रुपए तक सस्ती पड़ती है। धान के अवशेष खत्म करने के लिए श्रेडर मशीन किसानों की पहुंच से बाहर है। इन मशीनों की खरीद बढ़ाने के लिए सरकार सब्सिडी भी नहीं देती है, जबकि किसानों का कहना है कि खेती में लगने वाली लागत धान बेचकर भी पूरी नहीं हो पाती। हम ये खेत कई कारणों से जला हुए हैं। एक तो अब सर्दियां शुरू होगी, इसमें जलाने से पाला असर निकलता फसल पर,
दूसरा ये है कि इसमें जितने भी खरपतवार के बीज थे, अभी देखना आप ये बेल हो रही गन्ने के ऊपर, इसका जो बीज है और ये फसल को नुकसान दे है, वो जल जाएगा, घास फूस जल जाएगा। और उसके बाद ये राख जो है बड़ा इसको खेत को पोटास का काम करती है, पोटास खरीद के डालना पड़ता तो पोटास भी इसमें पूर्ति हो रही। दिल्ली NCR के अलावा उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी धुंध ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पूरे जिले में स्मॉग दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी कम है और लोगों को सांस लेने में जलन की शिकायत हो रही है। वहीं जो हाल हरियाणा में है वही हाल यूपी के सहारनपुर में भी है। खेतों में पुआल जलाई जा रही है और देश के तमाम इलाकों में प्रदूषण फैल रहा है। हाथरस में राजेश सिंघल, सहारनपुर में अनिल भारद्वाज के साथ मंजीत सहगल, अंबाला आज तक।